देश की 25 से ज्यादा रियासत में पेट्रोल का दाम 100 रुपए से पार है। ऐसे में कोई आपसे कहे पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं है तो लगता है कि मजाक किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक मंत्री उपेंद्र तिवारी ने इस तरह का बयान देकर अवाम को सोचने में डाल दिया और तकलीफ भी दे दिया। इस तरह का बयान अवाम के जख्मों पे नमक छिड़के सरका था। उपेंद्र तिवारी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई। अवैसी इंतखाबी जलसे से उत्तर प्रदेश में खिताब कर रहे थे। अवैसी ने योगी और उपेंद्र खूब कहा और कहा कि मोटरसाइकिल सवारी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, अवाम जरूर इन्हें सबक सिखाएंगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है और आज गरीब अवाम परेशान हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम इन्हें 2022 उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में बेदखल जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल को भारत के 95% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्री ने कहा, ये क्या नाम है उनका, नाम क्या है उनका? कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है इसे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है इसे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कैसा मंत्री है? उस मंत्री का नाम याद नहीं आ रहा, जोकर तो है वो। उन्होंने कहा कि पेट्रोल को भारत के 95% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्री ने कहा, ये क्या नाम है उनका, नाम क्या है उनका? नाम देखना पड़ेगा। हाँ, उनका नाम है, महाशय का नाम है उपेंद्र तिवारी। मीडिया वाले बोल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये मीडिया वाले मोटरसाइकिल पर अपने घर को जाते हैं ना, उसमें तो पेट्रोल गिरता है। तो तिवारी साहब बोल रहे हैं 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश के हर वो शख्स जो मोटरसाइकिल चलाता है, आप खुद सोचो, जो योगी और मोदी का भक्त है, क्या तुम अब भी योगी और मोदी को वोट दोगे? पेट्रोल की कीमत क्या है? जोर से बोलो, नहीं सुने आया, जोर से बोलो ताकि मोदी को मालूम हो। आपको ये कीमतों की फिक्र नहीं है? अब आप बताइए, 107, 106, मगर मोदी जी बोल रहे भाइयों मैंने 100 करोड़ हमने आपके इंजेक्शन लगाया। गरीब कहां जाएगा योगी मोदी जी? जब कोई पोलिंग बूथ को आता है गरीब, तो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को बिठा कर पोलिंग बूथ को आता है। नौजवान आता है तो तीन तीन चार चार को बिठा कर बूथ को लाता है। अब उन नौजवानों को, उन मोटरसाइकिल चलाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये बीजेपी की सरकार इन महंगाइयों का मजाक उड़ा रही है।